हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल एच के सर इंग्लिश। आज मैं आपके लिए कुछ पानी की बोतल को क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में कि हम पॉजिटिव वर्ब सीखने में इसको रख देता हूँ। और ये आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है, आपका चैनल एच के सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए पॉजिटिव वर्ब की क्लास लेके आया हूँ, बहुत बेहतरीन लेवल पे। पॉजिटिव वर्ब को किस नाम से जानते हैं मैं आपके लिए ये भी बताऊंगा, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए और बहुत अच्छे लेवल से कराऊंगा पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब को हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। जिन बच्चों ने हिंदी में क्रिया पढ़ी होगी वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया होती है पॉजिटिव वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ इफ यू वांट टू इंप्रूव योर ग्रामेटिकल पोर्शन। सो सी हियर कंप्लीटली, आज पॉजिटिव वर्ब के बारे में आपके लिए बताता हूँ। जो पानी की बोतल मेरे हाथ में थी, मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एग्जांपल दूंगा, और बहुत बहुत प्यारे एग्जांपल्स आपके लिए दूंगा, और आपके समझ में आएंगे कि हम पॉजिटिव वर्ब को रियलिटी में आप सीख जाओगे। आज तक आपने चार रटा हो, लेकिन मेरी गारंटी आज सिखाने की। जैसे देखो, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपने सुना है, आपने देखा है, पढ़ा है कि दौड़ने की अंग्रेजी होती है, बट दौड़ाने की कोई अंग्रेजी नहीं होती। जिसकी अंग्रेजी है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जिसकी अंग्रेजी नहीं है, जैसे दौड़ाना, भाई मैं क्यों, मैं दौड़ता हूं तो ये दौड़ने की है कि आई रन, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं उसको दौड़ाता हूं तो दौड़ाने की कोई इंग्लिश नहीं होती। तो हम किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। और एक तो होता है मैं उसको दौड़ाता हूं, एक मैं हुआ, एक वो दौड़ने वाला हुआ। हम सिर्फ दो पर्सनों के बीच में ये बात है कि मैं उसको दौड़ाता हूं, दौड़ाने वाला मैं और दौड़ने वाला वे। तो ये कंडीशन तो फर्स्ट पॉजिटिव मानी जाती है, फर्स्ट प्रेरणार्थक मानी जाती है। सेकंड पॉजिटिव क्या होती है, ध्यान से देखना, कि मैं उसको दौड़वाता हूं। भाई मैं दौड़वा रहा हूं, मैं खुद भी नहीं दौड़ा रहा, मैं दौड़वा रहा हूं किसी और से उसको। एक तो मैं, एक जो दौड़ाएगा वो, और एक वो दौड़ने वाला। जिस पॉजिटिव में तीन पर्सन आ जाए, जिस पॉजिटिव में तीन कंडीशंस आ जाए, उसको सेकंड पॉजिटिव कहते हैं। जिस पॉजिटिव में केवल दो पर दो सब्जेक्ट हो, या दो, मान लो दो पर्सन हो, दो कंडीशंस हो, वो फर्स्ट पॉजिटिव होती है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है कि पढ़ने की भी है स्टडी और पढ़ाने की भी है टीच, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम ऐसी है कि जैसे दौड़ने की है, दौड़ाने की नहीं, ना तो दौड़वाने की ना दौड़ाने की। ऐसी पीने की तो है, लेकिन पिलाने की नहीं, पिलवाने की नहीं। तो एक पिलाना हुआ और एक पिलवाना हुआ, ये डबल पॉजिटिव हो जाते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव होता है कि एक जब केवल दो पर्सनों के बीच बात हो, और सेकंड पॉजिटिव होता है जब बात कम से कम तीन के बीच में हो। तो आज मैं आपके लिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताऊंगा, और गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो बच्चे हमारे, बस एक बात मान लेना बस मेरी, के वीडियो में लास्ट तक टिके रहना, और पॉजिटिव के तुम एक ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, कभी नहीं भूलोगे पॉजिटिव। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूं, ध्यान से देखना सभी प्यारे बच्चे, के जो फर्स्ट पॉजिटिव होता है, जब दो पर्सनों के बीच बात हो कि मैं उसको दौड़ाता हूं, दो पर्सन है केवल, तो इसमें यूज करेंगे, पहले मेक का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों ये होती है कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकेंड पॉजिटिव क्या है, हैव आएगा या गेट, या तो हैव का यूज करोगे या गेट का यूज करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैव के और गेट के बाद। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रही होगी बात, और एग्जाम्पलों से समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखना सभी। जैसे मैंने ये तो बनाया कि मैं दौड़ता हूं, आई रन, भाई दौड़ने की अंग्रेजी है, लेकिन मैं इसको कैसे बनाऊं, कौन बच्चा बताएगा, कमेंट में बना के जरूर बताऊंगा, इसको ट्रांसलेट करके जरूर बताऊंगा। मैं उसको दौड़ाता हूं, भाई दौड़ाने की अंग्रेजी नहीं, तभी तो एक पॉज बना, तभी तो एक कारण बना, क्या बना,
कारण बन। जैसे आप कैसे बनाएंगे, दौड़ाने वाला तो मैं ही हूं, आई बाय आई के साथ मैंने यही स्ट्रक्चर फॉलो करना, आई मेक उसको की क्या आएगी ऑब्जेक्ट हिम, और दौड़ाने की प्यारे बच्चों वी फर्स्ट क्या आएगी रन, क्या आएगी रन आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना। अभी मैं बोतल के ऊपर भी एग्जांपल दूंगा, जो पीने पिलाने पिलवाने का एग्जांपल है, ध्यान से देखना सभी बच्चे इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं उसको दौड़वाता हूं भाई, मैं भी नहीं दौड़ा रहा उसको, मैं किसी और से दौड़वा रहा हूं किसी थर्ड पर्सन से। तो अब कैसे इसको बनाओगे ध्यान से देखना सभी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आई यूज किया आपने, या तो आप हैव लगाओ या गेट लगाओ, आप कोई भी लगा सकते हो। आपने कहा सर हम तो हैव लगाएंगे, लगा दो भाई हैव। हैव का यूज किया उसको की क्या भाई हिम आएगा, और दौड़वाने की वी थर्ड तो भाई मतलब वी थर्ड तो दौड़ाने की रन ही होती, रन रैन रन, रन की वी टू रैन होती है और वी थर्ड रन हो जाती है। इससे और ज्यादा समझ में आएगा ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट देखते चलना। जैसे मैंने बोला अब इसको मैं हटा देता हूं जो पॉजिटिव नहीं है, इसको मैंने सिर्फ ये सिखाया जैसे पीने की तो है लेकिन पिलाने की नहीं, जिसकी नहीं उसमें पॉजिटिव लगता, जिस वर्ब की स्पेलिंग नहीं होती, जिस वर्ब की जिस क्रिया की वर्ब नहीं होती, दैट मीन्स स्पेलिंग नहीं होती, उस वर्ब के लिए तो पॉज बनता है। और एग्जाम्पल बता रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सभी बने रहना मेरे प्यारे साथियों, लास्ट का वीडियो यार गारंटी लेता हूं सिखाने की, तो ये वादा है मेरा। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जरूर वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि आपकी इंग्लिश ग्रामर एक बहुत तगड़े लेवल पे, चाहे एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या कोई भी जिसमें इंग्लिश आती हो कॉम्पिटिशन लेवल में, आपकी इंग्लिश का बेसिक और एडवांस लेवल गजब हो। अब देखते हैं मैं और एग्जाम्पल लिखता हूं इस पे। जैसे बोला गया वह मुझे पानी पिलाता है, वह मुझे पानी पिलाता है, पानी पिलाता है, पिला रहा है, चलो रहा कर लो। अब किसी हाँ कंटिन्यूअस में बना सकते हो, परफेक्ट में बना सकते हो, इंडेफिनिट में बना सकते हो, इंपेटिव सेंटेंस में बना सकते हो, जो मन करे उसमें बना सकते हो। देखो मैंने इंडेफिनिट में ऊपर का एग्जांपल लिखा, अब मैं कंटिन्यूअस में बना रहा हूं, कंटिन्यूअस। और एक एग्जांपल लिखूं फिर, वह मुझे पानी पिलवा, भाई यहां पॉइंट है, पिलवा रहा है। दोनों बातों में फर्क क्या, यही तो मैं सिखा रहा हूं आपके लिए भाई। यहां तो कहा कि वह मुझे पानी पिला रहा है, पिलाने की भी स्पेलिंग नहीं होती और पिलवाने की भी नहीं होती, पॉजिटिव तो दोनों है, लेकिन समझना क्या है कि फर्स्ट पॉजिटिव वो होता है वह मुझे पानी पिला रहा है, एक मैं और एक वह पिलाने वाला। पिलवाना क्या हुआ, एक तो मैं एक वह जो पिलवा रहा, एक वो जो मुझे पिलाएगा, तीन आदमी हो, जिसमें कम से कम मिनिमम थर्ड पर्सन हो उसके लिए सेकंड पॉजिटिव का यूज। ध्यान से देखना, समझाने की गारंटी है भाई। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इज तो मेकिंग आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत भाई, इस पे ही पड़ेगा जो लोड पड़ेगा मेक पे, इसके बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मेकिंग मी और ड्रिंक, क्या बोला ड्रिंक, वी फर्स्ट ही आएगी पानी की, क्या तो जानते हो तुम वॉटर क्या होती है, वॉटर। सर इसका यूज कैसे करें भाई, इसको भी देखो ध्यान से, इसका यूज कैसे करें, पिलवा रहा, खुद नहीं पिला रहा किसी और से पिलवा रहा पानी। तो मैंने बताया ना कि मैं बोतल का एग्जाम्पल लूंगा, बोतल लेकर आया हूं आपके लिए, ओके। एक तो मैं पानी खुद पी रहा हूं, एक कोई दूसरा मुझे पिला रहा है, ये पॉजिटिव बना फर्स्ट, एक कोई दूसरा किसी और तीसरे से पिलवा रहा है, ये सेकंड पॉजिटिव, मैं खुद पी रहा हूं ये कोई पॉजिटिव नहीं है, ये सिंपल है, पीने की तो है, पीने की वर्ब तो है,
पिलवाने की और पिलाने की नहीं। बात करते हैं ही, थोड़ी स्पेस कम है मैं यहां पे ले रहा हूं ही। अब इसमें या तो हैव लगाओ या गेट, भाई इस तो लगाओ कंटिन्यूअस है, बी प्लस वी फोर्थ आती कंटिन्यूअस की पहचान है। और जिस बच्चे ने हमारे चैनल से कंटिन्यूअस नहीं किया वो जरूर कर लेना, रियलिटी में आपको एडवांस कंटिन्यूअस और हर टेंस हर बेसिक क्लियर एडवांस लेवल से करना है। वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियोस को जरूर देख ले, और अगर कोई कमी आपको दिखती आप कमेंट में जरूर बता सकते हो वो वीडियो कैसी दस। ही इज या तो हैव लगा या गेट, भाई गलत सा लगता है जब लगाते, लेकिन रूल तो रूल है भाई, हैव में आई एन सी लगा दो हैविंग क्या कर दिया, और या लगा दो गेटिंग, या तो हैविंग या गेटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है भाई, मैं, मुझे ही तो पिलाएगा। और ड्रिंक के भीतर क्या है, ड्रंक, क्या है ड्रंक, तो पानी के क्या वाटर, क्या है वाटर, ड्रंक के बाद में भाई वाटर, जब फुल स्टॉप लगाना। देखो एग्जांपल तो मैं तुम्हें बहुत कराऊंगा, लेकिन इसमें ध्यान से दे लो, और जिस बच्चे को कोई कंफ्यूजन रह गई हो दूर हो जाएगी। मैंने कहा कि पानी पीने की तो स्पेलिंग है कोई पॉजिटिव, जिसकी स्पेलिंग होती है कोई पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन मैं क्यों, कोई और मुझे पिला रहा है पानी, इसकी स्पेलिंग नहीं होती, कोई मीनिंग नहीं होती, इसलिए फर्स्ट पॉजिटिव। और फर्स्ट पॉजिटिव में मेक के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी 100%, परफेक्ट हो कंटिन्यूस, मेक पे पड़ेगा जो भी लोड जो भी प्रेशर मेक पे आए। बात आई कि पिला भी नहीं रहा तो किसी और से पिलवा रहा है, किसी तीसरे आदमी से, तो तीन हो गए, मैं, एक को पिलवाने वाला और एक को पिलाने वाला, इसे कहते हैं सेकंड पॉजिटिव। वह मुझे पानी पिलवा रहा है, He is getting लगाओ चाहे having लगाओ, me drunk water, और भाई drunk क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई थोड़ा कंप्रोमाइज करना, मेरे पास मोबाइल है वीडियो के लिए, मैं एक बार देख लूं, ऐसा तो नहीं कि वीडियो रुक गई, ठीक है, मात्र एक मिनट के, एक पांच सेकंड के लिए होल्ड। दोस्तों चल रही है वीडियो, वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद सेल्फ खुद अकेला हूं तो इसलिए मोबाइल देखना पड़ता है, कभी कट मार गया। मैं और एग्जांपल्स आपके लिए करा, टेंशन फ्री रहो, गारंटी है भाई सिखाने की तो। और भाई वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, जो नए बच्चे हैं ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज हम एक लर्नर हैं यूट्यूब पे, और जितनी ज्यादा आप हेल्प करोगे और शेयर करोगे वीडियोस को हमारा, उतना ही ज्यादा मनोबल बढ़ेगा, एक हौसला बढ़ेगा। देखो मैं आपके लिए फिर बताता हूँ, और बड़े प्यारे एग्जाम्पल सब मैं इम्पेटिव में यूज करा के देखा, ये परफेक्ट में तगड़े रूल है भाई परफेक्ट के, तो देखो बोला भाई, बोला हमने कि तुम उसको नचा, तुम उसको नचा चुके हो, नचा चुके थे, बड़ी अच्छी बात है। एक और एग्जांपल देखो, तुम उसको, सेम एग्जांपल लिख रहा हूं, तुम उसको नचवा चुके थे, नचवा चुके थे, सेम परफेक्ट लिया पास्ट परफेक्ट, मजा आ जाएगा भाई। बस एक मेहरबानी रखना कि वीडियो लास्ट तक रहना, हर पॉइंट से रूबरू करा दूंगा। नाचने की अंग्रेजी तो है कोई पॉजिटिव नहीं, डांस, लेकिन नचाने की इंग्लिश है क्या, आपने देखा आज तक, सर हमको कैसे पता लगेगा, नचाने की हो भी तो सकती है, नहीं। अगर आपने दसवीं बारहवीं आप पांच फिफ्थ सिक्स तक भी हो तो आपने जरूर सुना होता अगर नचाने की, जब आपको डांस पता है तो नचाने की पता नहीं होती क्या, नचवाने की नहीं होती, होती पता। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट, नचाने की नचा, नाचा नहीं नचा चुका है, यहां का नचवा चुका है,
तुम उसको नचवा चुके थे, तो नचवा तुमने भी नहीं नचाया, किसी और से नचवाया, किसी और से नचवा। जैसे डांस पार्टीज होती है, एक तो तुमने खुद पैसा दिया किसी डांसर को, भाई नाचो, तुमने उसे नचाया, एक तुम्हें लग रहा कि मेरे कहने से नहीं नाचेगी या मेरे कहने से नहीं नाचेगा, तो आपने किसी जिम्मेदार पर्सन को, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जिसने उसका ऑर्गेनाइज किया डांस पार्टी का, तो आपने उससे कहा कि भाई लो 10,000 रुपए और इसको नचा दो। तो आप हुए एक, एक वो हुआ जिसको आपने पैसा दिए और एक वो नाचने वाला हुआ, तो कितने आदमी हो गए? 3%। इसलिए ही ये पॉजिटिव सेकंड बन, जब आपने डायरेक्ट पैसा दिए नचाने के लिए, तो आप ये फर्स्ट पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये रहा और सेकंड पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये रहा। सभी बच्चों को सब अच्छी लग रही होगी क्लास, और जिन बच्चों को अच्छी लग रही भाई वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में बताना कि सर हमको ये वीडियो अच्छी लगी या अच्छी नहीं। मैं ट्रांसलेट करता हूं, देखो तो मैं बड़ी तसल्ली के साथ कर रहा हूं यू भाई, पहले ये देखो ये परफेक्ट, परफेक्ट की खास पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट के हेड को बगैर पूछे आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है कि सर और नचा फर्स्ट पॉजिटिव है, तो नचाने की भाई ना ये मेड आएगा भाई, नचाने की स्पेलिंग नहीं होती इसलिए तो मेड लगा रहे, उसको की हर क्या आया हर, और नाचने की नचाने की फिर वही डांस वी फर्स्ट आएगी, क्या आएगी लाड ले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। यू हैड मेड हर डांस, देखो वी थर्ड बनी, परफेक्ट की पहचान होती है हैव की कोई भी वर्ग उसके बाद वी थर्ड, इससे बना परफेक्ट और इससे बना पॉजिटिव, यहां से यहां तक पॉजिटिव की पहचान है और यहां से यहां तक परफेक्ट की पहचान, है प्लस वी थर्ड परफेक्ट की पहचान है, ठीक है। अब ये भी परफेक्ट है, तुम उसको नचवा चुके थे किसी दूसरे आदमी, एक तुम एक नचवाने वाला एक नाचने वाला, और कोई बुरा ना माने, लड़का भी हो सकता लड़की, डोंट वरी, इस बात से आप टेंशन मत के सर लड़की क्यों रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लड़का रख सकते, आप किसी का नाम भी लिख सकते, मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपके लिए, ध्यान से देखो यू, इसको मैं यहां ले लेता हूं यू, देखना भाई यू, और फिर पास्ट की पहचान पास्ट परफेक्ट की हेड। सर टेंशन तो जब आती है कि हैव के बाद भी तो वी थर्ड आएगी, कोई भी आए चाहे आईएनसी लगे चाहे वी टू बन के आए चाहे वी थर्ड बन के आए, आपको यूज क्या करना भाई, इन इन पे ही फर्क पड़ेगा। अगर आप हैव की वी थर्ड बनाओगे तो हेड बने, और अगर आप गेट की वी थर्ड बनाओगे तो गॉट बने। घुमा देता है बच्चे को एग्जाम्पल, यू हैड हैड और उसको की हर, और भाई नचवान, नाचने की वी थर्ड लगेगी अब यहां डांस, डांस्ड पढ़ते हैं इसे डांस्ड, एक रूल बताया वीडियो में ये भी बताया कि मिस्ड नहीं होता मिस्ड होता, डांस्ड नहीं होता डांस्ड होता, लाफ्ड नहीं होता लाफ्ड होता, आस्क्ड नहीं होता आस्ट होता। एक बहुत प्यारे से मात्र या 10 या 12 मिनट की वीडियो में मैंने बताया है कि ईडी को टा क्यों पढ़ते हैं, मैं इसे डांस्ड क्यों पढ़ता हूं, मैं इसे आस्ट क्यों पढ़ता हूं, मिस्ट क्यों पढ़ता हूं, ईडी लगाने पर मैं इसको टा क्यों पढ़ता हूं, और कब पढ़ना चाहिए, हर जगह नहीं वो सिलेक्टेड पॉइंट। ओके सॉरी ब्रो, मैं एक मिनट पानी पी लेता हूं प्लीज। ओके भाई आ गया, सर अभी नहीं आया, कोई बात नहीं कब तक नहीं आएगा, देखो अब मैंने परफेक्ट में सिखा दिया, आप फिर मैं इंपैरेटिव में सिखाता हूं, देखो इंपैरेटिव सेंटेंस, अब टेंस तो मैंने ये तो असर्टिव में सिखाया, घुमा देता है भाई, इतना तगड़े एग्जाम्पल आते हैं, और चाहे छुपा में सीख गए हेड हेड से कंफ्यूज मत। इंपेरेटिव की बात आती है कैसे, मैंने कहा
कोई भी वर्ड लिया, जैसे मैंने बोला नहाने की स्पेलिंग है पे, और नहलाने की कोई स्पेलिंग नहीं होती ध्यान से। उसको किसी को ऑर्डर दिया कि उसको उसको नहलाओ, भाई देख लेना हिंदी, नहलाओ उसको, नहलाओ तो ये कहा, और एक मैंने ये बोला कि उसको नहलाओ, उसको नहलाओ। अब ये बताओ नहाने की तो होती है, वाओ कितनी बड़ी बात। और एक पहचान, चल एक पहचान भी आपके लिए बता दो, अगर आप भूल जाते हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इसमें वाह आता, ये पहचान याद रखना, नहाने की स्पेलिंग है तो कॉज नहीं, नहलाने की स्पेलिंग नहीं तो कॉज है, नहलाओ, ला आया ओ आया, लेकिन इसमें वाह आएगा, पिलाना पिलवाना सेकंड कॉज है, वाह ना आए, वाह वकील आए, दौड़ाना दौड़वाना, एग्जाम्पल भी देखो, कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, कैसे ट्रांसलेट इंपेरेटिव है भाई, तो मेक डायरेक्ट आई है, तो इसमें वर्ब मेक हिम, और नहाने की होती है बैद, मैंने ये भी बताया इसको दा पढ़ते हैं, दा बाथ नहीं पढ़ते, बैद क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर आप बात पढ़ोगे तो नहान हो जाएगा नाउन। अब नहलवाओ तो या तो है वो लगाओ, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती इंपेटिव, हाँ इंपेटिव की पहचान क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फुल स्टॉप, और या गेट का यूज करो, हैव या गेट, और इसके बाद क्या लगाओगे उसको की हिमाई, और फिर भाई भीतर आई नहलवाने की, बैद की भीतर, बैद क्या हो जाएगी, बैद बाथ नहीं बैद। दोस्तों मैं आशा करता हूं वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी, और ये सभी से मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों से, कि हमारे चैनल पे जो नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थैंक्स थैंक्स।